और जिसने खाई शर्म उसके फूटे करो। एक बार में आदेश एक शादी में गए, मौसी थी, मौसी बहुत अच्छी मौसी थी, बहुत अच्छी मौसी थी। उसने मौसी ने एक बात कही, तुम मेरे अतिथि नहीं हो, हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम खाना खा लो, शादी है, हम जरूरी नहीं कि ध्यान दे पाए, तुम खुद आकर के खाओगे। ठीक, ओके डन। इतनी बड़ी बात पहले नंबर कह दी। अब उन्होंने कहा पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें कहाँ जाना है, मदनगंज स्टेशन जाना है बारात को लाने के, बारात आ गई। अब हमने कहा हम तो खा के आ गए, सेखी मार दी। क्या कह दिया, प्राय सेखी मार देते हैं लोग, हम तो खा के आए, भूख नहीं है अभी, बिल्कुल भूख नहीं है। चले गए सब वहाँ से, बारात लेट हो गई, 4 बज गए 5 बज गए 5:30 बज गए, बारात नहीं आई, बारात 5:30 के बाद आई। अब स्टेशन पर गए, उनका स्वागत वगैरह किया बारातियों का, अपन ने सोचा कि यार अपन खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपन ने वहाँ भी नहीं खाया। अब इसके बाद बारात की पंगत बैठ गई तो फिर भी नहीं खाया, अरे लोग कहेंगे कि ये पहले काम तो कर नहीं रहा, खाने बैठ गया, रात हो गई। अब रात में खाते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे, अब रात में खाते नहीं पानी नहीं पीते तो क्या करेंगे फिर। अब पूरी रात पता लग गया कितनी ट्रेनें निकली, कितने गाड़ियां निकली, पूरी रात जागते रहे। जब सुबह फटाफट हुआ तो पहले क्या किया, अब शर्म की जरूरत। तो माँ से रोटी मांगने में शर्म नहीं लगती, तो भगवान से कल्याण की बात मांगने में क्या शर्म। हम भगवान के सामने आए हैं ना, तो इसलिए भगवान की भक्ति करते समय शर्म नहीं होनी चाहिए। लगती कि नहीं लगती, मंदिर आती रोज, नहीं आती, डेली कहाँ आती, परसों कहाँ आई थी, आई थी परसों, नहीं आई। हमें सब पता है, हमारे रजिस्टर में सबके दस्तखत होते हैं, अटेंडेंस लगती है, मंदिर आती है ना। अच्छा एक बात है, आदमी को गलत काम करने में शर्म नहीं आती। एक हमारा मित्र था, वो बहुत सिगरेट पीता था, हॉस्टल पार्टनर था, सुनील देशमुख नाम था उसका। मैं उसको कहता है सिगरेट मत पियो सिगरेट, एक दिन वो कहता है तुम कितने बेशरम हो, हम तुम्हारी बात मानते भी नहीं, फिर भी तुम हमसे कहते रहे तो ये सिगरेट में ये है वो है ये दुनिया भर। मैंने कहा हम बेशरम नहीं है, हम अगर बेशरम अच्छी बात करने में है, तुम बुरे काम करने में बेशरम, बेशरम तो तुम भी हो। अगर अपन से कोई अच्छी बात कहता है बार बार कहते, तो कभी कभी बच्चे कहते मम्मी बार बार मत कहा कर यार मेरे से, मंदिर जाओ मंदिर जाओ, आपको ऐसा क्यों लगता है। लेकिन एक ध्यान रखना, बड़ा बुरा लगता है उस समय, बड़ा बुरा लगता है जब कोई अपन बार बार कहें बात और माने नहीं कोई, तो बुरा लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो बुरा नहीं मानता, हम आपके यहाँ आए, हम तो चातुर्मास करेंगे आपके यहाँ, बैठ गए, अब आप नहीं करा रहे तो भी करेंगे, तो शर्म क्यों नहीं लग रही महाराज जी आपको। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग किस टाइप के आदमी हैं, किस टाइप के हैं, ये टाइप पता लग जाती तो शर्म नहीं लगती। आप एक देखिए, जैसे हम रोज प्रवचन देते हैं, उन लोग बात नहीं मानते तो प्रवचन बंद कर दे, क्या फिर क्या बंद करेंगे, आज नहीं मानेंगे, कल कल नहीं मानेंगे, परसों परसों। हम तो MR है ना, MR जानते किसे कहते, मेडिकल स्टोर है तुम्हारा, मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टोर कोई होता है ना डॉक्टर, तो एक MR आते हैं ना, अपना प्रोडक्शन बताते हैं उसके बारे में दुनिया, और डॉक्टर कहते हैं तो सुनता ही नहीं है वो, अरे यार वो अभी मैं पेशेंट देखूंगी तेरे से बात कर, अभी बाद में आना, चलो चलो जाओ। तो अभी MR पूछता सर कितने बजे आ जाते फिर, MR मतलब गॉड महावीर रिप्रेजेंटेटिव, मैं महावीर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ,
उनकी बात आप लोगों के बीच में कहने आया हूँ। आप महावीर भगवान की बात आपके बीच में कहने आया, आप सुनना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग मंदिर नहीं आते, उनको मंदिर में लाना है, उनको मंदिर में कैसे लाए। हमारे महाराष्ट्र की विदर्भ की सबसे बड़ी यही समस्या है। विदर्भ में दिगंबर कम नहीं है, तो 25,000-35,000 दिगंबर इकट्ठे हो गए। पुलिस ने 35,000 आके हाँ, वो आशीष दहाड़े आया था तो एसपी ने हाथ उसके कंधे पर पटक करके कहा, यार तुमने भी यार संयोजक जी 35,000 लोग इकट्ठे कर लिए। कितने? 35,000। मगर अपन वक्त का मंदिर नहीं जाते। सिरपुर का अगर प्रत्येक जैन मंदिर जाने लगे तो वहाँ कर्मचारी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।